उषा पटेल गार्डनिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो कल मेरा नर्सरी का वीडियो आया था, आपने देखा। तो मैं नर्सरी जाती हूँ, ऐसे तो वीडियो बनाने के लिए ही जाती हूँ, पर आपको पता है कि नर्सरी से हम कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। तो वैसे तो मुझे नर्सरी में से तो मैं एक नींबू का पेड़ लेने जा रही थी और थोड़ा सा विनका लाना था और पिटूनिया, पर वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला वो सब। और मैं कुछ नहीं तो गुड़हल, और ये देखो दो गुड़हल, मैं इसका पीक बताऊंगी। फूल तो गिर गया है, बहुत बड़ा बड़ा, एक येलो वाला है और रेड वाला, जो जैसे ऑस्ट्रेलियन वेराइटी आती है बड़ी वाली, ऐसा बड़े बड़े फूल आए थे इसमें। मैं पीक आपको दिखाऊंगी इसमें, जो मेरे फूल के मैंने ले लिए हैं। तो मैं वो नर्सरी से दो गुड़हल लेके आई हूँ, दोनों ही रेड मिट्टी में है। मैं थोड़ी सी रेड मिट्टी निकाल दूँगी जहाँ तक उसका थोड़ा सा रूट्स मुझे मिल जाए, बाद में मैं उसमें डाल दूँगी। क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रेड मिट्टी में निकालने जाती हूँ तो कभी कभी प्लांट मेरा मर भी जाता है। तो इस बार मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगी और थोड़ी सी रेड मिट्टी भी ला दूँगी, मतलब रखने दूँगी। तो जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे प्लांट होते हैं और एक झुंड में रहते हैं, और हमारे घर पे आते हैं तो उसका वातावरण अलग सा हो जाता है। इसलिए कभी भी आप नर्सरी से प्लांट लाओ तो तुरंत रिपोर्ट नहीं करना है। मैं दो तीन, तो एक दो दिन रहने देती हूँ, फिर से रिपोर्ट करती हूँ। और जब भी मैं लाती हूँ तो ऐसे देखो, एक गमला है मिट्टी से भर दिया था और इसके ऊपर मैंने इस दोनों प्लांट को रख दिया था पानी डाल के। तो जैसे ही ज़मीन में वहाँ रहता है ऐसा ही उसको फील होता है। तो आपको, आप भी वही करना, लाके तुरंत कोई भी टब में मिट्टी भर के आप गमलों को रख दो, पानी वाला मिट्टी कर दो और उसको ऐसे ही भेज मिलता रहेगा। फिर दो तीन दिन हमारे सारे प्लांट के बीच में रख दो, तो क्या होता है वो हमारे घर वाले प्लांट से वो भी दोस्ती कर देगा और फिर हमें रिपोर्ट करना है। क्योंकि प्लेन आ गया, क्योंकि जब हम भी एक घर से दूसरे घर शिफ्ट होते हैं तो हम भी कुछ दिन तो ऐसे ही लगता है कि कहाँ आ गए, हमारा यहाँ कोई नहीं है। तो ऐसे ही हमारे प्लांट को भी ऐसे ही फील होता है कि नर्सरी का वातावरण जुदा होता है और हमारे घर का वातावरण भी अलग होता है। तो इसलिए हमें लाके उसको एक दो दिन रहने देना है और बाद में रिपोर्ट करना है। तो जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम तो लाल मिट्टी, काफ़ी लोग लाल मिट्टी नहीं निकालते हैं, मैं तो लाल मिट्टी थोड़ी सी निकाल देती हूँ। और मैंने दो गमले खाली किए हैं मेरे, और ये गमला भी मैंने खुद बनाया है, आप देख सकते हो। अभी पेंट करना बाकी है, बहुत दो साल हो गए मैंने पेंट भी नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मेरा किचन वेस्ट है, देखो मैंने 6 महीने पहले बनाया था, किचन वेस्ट मेरा हो गया है। तो मैं उसी किचन वेस्ट को मैं पहले अपने गमले में डाल दूंगी और दूसरा एक किचन वेस्ट बनने के लिए मेरा तैयार हो गया है। तो पहले मैं इस किचन वेस्ट को गमले में डालूंगी और फिर मैं इसके ऊपर क्या डालूंगी, थोड़ा सा एप्सन सॉल्ट और फंगीसाइड पाउडर डाल दूंगी। वैसे तो मैं जब किचन वेस्ट बनाती हूँ तो इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर से फंगीसाइड डाल ही देती हूँ कि कीड़े ना पड़े। तो मेरे किचन वेस्ट में कीड़े नहीं पड़ते हैं और मैं वही, मैं जो ये मेरा मटका है वो भर जाता है, तो मैं इसको रुमाल से ऐसे बांध के फिर मैं अपने छत के ऊपर जहाँ धूप नहीं आती हो वहाँ जाके मैं छोड़ देती हूँ। तो मैं देखती ही नहीं है इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आज मुझे गमले भरने की ज़रूरत हुई तो मैं जाके उसको नीचे लेके आ गई हूँ और इसमें से मैं और भी निकाल के फिर भर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सारा तो भर दिया है, थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है क्योंकि जब मैं इसमें फिर से किचन वेस्ट तैयार करूँगी तो सबसे लास्ट में मैं उसको ऊपर डाल दूँगी। तो जल्दी से वो प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये सारे मेरे किचन वेस्ट तैयार हो गए हैं, तैयार होने में जा रहे हैं। और इसमें मेरे पुराने किचन वेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने केले के छिलके और ऑरेंज के और ओनियन पील के ही छिलके थे। अब मैं उसमें थोड़ा सा ये एप्सन सॉल्ट डाल देती हूँ, दोनों गमले में थोड़ा सा मैं डाल दूँगी फंगीसाइड पाउडर। फंगीसाइड पाउडर का भी मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि फंगस के बजाय हमारा प्लांट ख़राब ना हो जाए, वो भी मुझे डर लगता है।
और मैं थोड़े से दाने डीएपी के डाल दूंगी। थोड़े दिन पहले ही मेरा एक गुड़हल पे वीडियो आया था कि नवंबर में 4 दाने डालो गुड़हल पे और डेढ़ फूल पाओ। तो डीएपी से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको नाइट्रोजन होता है और फॉस्फोरस, तो क्या होता है कि हमारे प्लांट में अच्छी सी ग्रोथ हो जाती है और हमारा प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे देता है। ये मेरे छोटे वाले डीएपी के दाने हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं और मेरा गमला भी बड़ा वाला है। और इसके ऊपर अब मैं थोड़ी सी ये मिट्टी डाल देती हूँ। आप इस तरह से गमला भरोगे तो क्या होता है, बार बार आपको खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा प्लांट हमें ढेरों फूल देते रहेंगे। आप देख सकते हो ये मेरा गुड़हल का, देखो कितनी ढेर सारी कली आई है। मैं नज़दीक जाके आपको दिखाऊं, देखो एक भी डाली ऐसी नहीं है कि जहाँ आपको कली ना दिखाई दे। ये तो काल बंदर आए थे तो पूरा इसकी तो कलियां बंदर काल खा गया और इसकी भी खा गया था, और मेरा चारों गुलाब की कलियां और गुलाब के पत्ते भी खा गया। अब मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करने जा रही हूँ और रिपोर्टिंग के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैं आपको दिखाऊँ, मैं जब लाल मिट्टी निकाल रही हूँ तो आप देखो नर्सरी वाले सारे डीएपी के दाने ही डाल के अपने प्लांट में अच्छी सी ग्रोथ लेते हैं। देखो जहाँ भी देखो बीच में डीएपी के दाने ही हैं, यहाँ ऊपर भी देखो, यहाँ भी देखो, ये छोटे छोटे जो दाने निकल रहे हैं कहाँ गए, वो दाने डीएपी के हैं। ये देखो कहाँ गया ये रहा, तो ऐसे छोटे छोटे दाने जो है वो बस ये छोटे छोटे दाने सब डीएपी के हैं। तो नर्सरी वाले भी कोई ऐसा ज़्यादा सीक्रेट तो नहीं होता है, पर वो डीएपी डाल के ही अपने प्लांट के अच्छी सी ग्रोथ लेते हैं और बहुत अच्छे से फूल पाते हैं। वैसे तो कुछ हॉर्मोन्स भी आते हैं, वो लोग ने मुझे बताया, लेकिन मैंने बोला कि मुझे खाली वो जो बोतल है आप दे दो, तो उसने बोला ये तो हमने फेंक दी है, बाद में जब आप आओगे तो मैं आपको वो खाली बोतल दे दूंगी और आप ले जाके वो लाना। तो ये हॉर्मोन्स की वजह से भी बहुत ढेर सारे वो फूल पाते हैं और आप देख सकते हो बहुत अच्छी सी रूट्स है। और मैं अब इसको रिपोर्ट करने जा रही हूँ। तो मैंने दोनों प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है, मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और देखो मैंने जो लाल मिट्टी निकाली कितनी ढेर सारे, और इसमें आपको वही मैं दिखाऊँ कि देखो ये डीएपी के ही दाने हैं। तो नर्सरी वाले ज़्यादा से ज़्यादा डीएपी डाल के ही अपने प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेते हैं। तो आप भी अभी ठंडी की मौसम है, आप घबराओ नहीं, थोड़े से दाने अपने डीएपी के डाल दो और अपने प्लांट में ढेरों सारों फूल पाओ। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।